हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। यस्टरडे नाइट इब्राहिम अली खान, जो कि सैफ अली खान के बेटे हैं, उनको सपोर्ट किया गया सैफ अली खान और करीना कपूर के घर पर। इब्राहिम अली खान ने अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आपको बता दें, उनकी ट्यूनिंग अपनी स्टेप मॉम करीना कपूर खान के साथ भी काफ़ी अच्छी है। करीना कपूर खान ने कई बार शेयर किया है कि उनका सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ फ्रेंड्स वाला रिश्ता है। सारा अली खान और इब्राहिम अक्सर तैमूर और करीना के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। कोई सेलिब्रेशन हो तो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में इब्राहिम अली खान ने अपनी दादी माँ यानी कि शर्मिला टैगोर जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया साथ में पटौदी हाउस में, और उधर उनके साथ थी सोहा अली खान और उनकी बेटी इनाया खेमू, और वो पिक्चर भी शेयर की सोहा अली खान ने अपने सोशल अकाउंट पर। ये बात तो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अमृता सिंह ने सिंगल मदर होके भी इन दोनों बच्चों की, सारा और इब्राहिम की, परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। ये दोनों जब भी पेपराजी कैमरामैन सबसे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, और उनकी मम्मी अमृता सिंह अभी बहुत कैमरा शाय हो गई हैं और वो फोटोग्राफर्स को हमेशा अवॉइड ही करती हैं, और उनकी बेटी सारा अली खान भी रिक्वेस्ट करती है कि उनकी मम्मी की पिक्चर्स ना लें क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं। अमृता सिंह अभी कैमरा को लेके इतना कॉन्शियस हो गई हैं, इतना कैमरा शाय हो गई हैं कि अभी कोई बोल नहीं सकता कि वो एक मूवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं इतनी फेमस। आपको एक और बात रिवील करते हैं कि आज तक अमृता सिंह और करीना कपूर खान की मुलाकात नहीं हुई है, स्पेशली शादी के बाद। लेकिन सारा ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि जब करीना और सैफ की शादी थी तो उसकी मम्मी अमृता सिंह ने खुद उनको रेडी किया था, खुद उनकी ड्रेस चूज़ की थी, उनकी ज्वेलरी चूज़ की थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी बेटी वहाँ सबसे प्यारी लगे। सारा ने ये भी बोला कि मेरे मम्मी पापा डिवोर्स के बाद दोनों बहुत खुश हैं सेपरेटली, और ये बेस्ट डिसीजन था दोनों के लिए। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।